नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसे स्टॉल पर जिसका ब्रांड है बल्ली। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से 11 जिले, 61,050 मेंबर, 291,000 किलो मिल्क कलेक्टेड पर डे और 4,770 मिलियन का टर्नओवर है। ये पंजाब एक ऐसा प्रांत है जो कृषि और दूध के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कृषि प्रधान देश माना जाता है और कनाडा पर कब्जा है। मेरे साथ मौजूद हैं बिन्नी के करता रहता। सर, ये जो मूवमेंट है ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक आप पहुँचे? ये हमने 2014 में बानी कंपनी बनाई थी और 6 नवंबर को हमारी ये ऑपरेशनलाइज हुई थी। उस समय हमारे पास केवल 5 डिस्ट्रिक्ट थे और 22,000 मेंबर थे और 550 गांव में हम काम करते थे। और आज जो है हम 11 डिस्ट्रिक्ट में हैं और हमारे पास 60,000 के करीब मेंबर हैं और 11 डिस्ट्रिक्ट और ऑलमोस्ट 1100 गांव में हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी कंपनी की प्राथमिकताएं क्या हैं? हमारी प्राथमिकता ये है कि फार्मर को उसके घर पे सही दाम मिले। और इसमें क्या है कि हमारे जितने फार्मर हैं उनका इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है, उनकी पेमेंट उनके खाते में जाती है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। दूध इकट्ठा होता है गांव में, उसके सामने उसकी टेस्टिंग होती है। हमारी एक ऐप है फार्मर के पास, उस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, उसी ऐप में उसका कितना दूध आया, कितनी फैट थी, क्या सलाफ थी, क्या अमाउंट बनी, और उसकी हम 2/12/22 10 दिन के बाद पेमेंट करते हैं और 2/12/22 को उसके अकाउंट में पेमेंट चली जाती है। और जो साल के बाद जो हमारे को प्रॉफिट होता है, जितना बना होता है, उसमें से भी हम कुछ परसेंटेज उनको इंसेंटिव दे देते हैं और हर साल हम उनको डिविडेंड देते हैं। इसमें उसकी, क्योंकि हमने उसकी शेयर पूंजी लगा रखी, क्योंकि ये प्रोड्यूसर कंपनी मेंबर्स की है, वो इसके ओनर हैं, तो उनसे जो है हम जैसे 500 किलो दूध डालेगा तो 500 रुपये कटेंगे साल के, और उसके ऊपर डालेगा तो 1 रुपये कटेगा। सरकार कोई सब्सिडी देती है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, अपने बलबूते पे चल रही है। अच्छा, गुजरात को श्वेत क्रांति का कहीं ना कहीं जनक माना जाता है, क्योंकि अमूल जो है वो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि उसी के पैटर्न पे कहीं ना कहीं हम चलते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं ये पूछूं कि पंजाब गुजरात से कैसे अलग है इस मामले में? इस मामले पंजाब में यह है कि पंजाब की जो कोऑपरेटिव है वेरका है और वो भी दूध इकट्ठा कर रहे हैं, पर वहाँ पे क्या है कि आप कंपटीशन बहुत है, आप देखेगा प्राइवेट नेस्ले वहाँ पे है, इवन वहाँ पे हिंदुस्तान लीवर है, पर यह कि फार्मर लेवल तक जाने के लिए आप, हमने जो ये कंपनी बनाई है इसमें जो कोऑपरेटिव के अच्छे पॉइंट्स थे और कंपनी के अच्छे पॉइंट उसको डाल के इस कंपनी को चलाया है, जिसमें हम फार्मर लेवल तक जाते हैं, फार्मर को इन्वॉल्व करते हैं गाँव में। आम क्या देखते हैं, दूध इकट्ठा करती है कंपनी, वो केवल जो वहाँ दूध इकट्ठा करता है उसी से बात करती है, फार्मर से नहीं करती। हमारे हर गाँव में दौड़ था, गाय भी शायद उससे प्रभावित हो रही है, एलएसडी आया है, हाँ, नया। तो उसके बचाव के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या प्रयास होने चाहिए? सरकार ने देखो इमीडिएटली उन्होंने पैसा दिया कुछ के जो है वैक्सीनेशन कराई है, पर क्योंकि इतना ज़्यादा स्केल पे हुआ है उस वैक्सीनेशन में अभी टाइम लगेगा, और जो एनिमल मर गया उसकी वो तो इशू है ही अभी। पर यह है कि हम लोगों ने जो था इथनोवेटरी ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएट, जो कि एनडीडीबी ने हमारे को बताया था, हम लोगों ने अपने फार्मर्स को बताया, उन्होंने उसको अप्लाई किया और उनके एनिमल जो है काफ़ी एनिमल बचे हैं। अच्छा नरेंद्र जी, क्योंकि महंगाई नियंत्रण बढ़ रही है लगातार, दूध भी मेरे ख्याल से दूध उत्पादकों को भी जिस तरीके से किसान को उसका जो खर्च है उसके बाद जो आय है शायद उतनी नहीं मिल पा रही है, तो क्या दूध में भी ऐसा ही है? दूध में देखो ऐसा है कि कंपिटेटिव रेट मिलेगा, आप कंपटीशन है, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं, उसमें हमारा एक राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम है एनडीडीबी का, वो हम इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं उसने क्या डाला है, और अगर वो जो उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा डाला है तो उसको कम कराते हैं, तो उसकी कॉस्ट कम कराते हैं। इसके अलावा हम अपनी खुद की, हमने अपने ब्रांड की फीड बना रखी है जो हम फार्मर को देते हैं, साथ साथ जो है हमारा जो कोशिश है हम प्रिवेंटिव करते हैं, ये नहीं कि बीमार होने के बाद बीमारी ना हो, उस लेवल पे हम, हमारा फोकस है कि पहले ही उसको कंट्रोल कर लो कि उसकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहे, उस पे हमारा फोकस है। अच्छा, ये जो इवेंट हो रहा है इस इवेंट पे क्या कमेंट करेंगे आप 3 दिन? ये बहुत अच्छा इवेंट है, यहाँ पे है कि एटलीस्ट सारी कंपनियाँ आई हैं और नए जो टेक्नोलॉजी आई है आपको उस टेक्नोलॉजी को समझने में, और बाहर के लोगों को पता लग रहा है कि ये प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट आया नया, जो कि पहले केवल कोऑपरेटिव थी या प्राइवेट आ रहा था,
अब लोगों को पता लग रहा है कि हर एक स्टेट में प्रोड्यूसर कंपनी आ रही है, और जैसे कि मोदी जी की भी कहते हैं कि FPO बनाओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उससे फार्मर को फायदा होगा। तो यहाँ आने से एक विजिबिलिटी हुई है, लोगों को पता लग रहा है कि यहाँ प्रोड्यूसर कंपनियाँ भी हैं। जैसे कि कल बताया गया था कि ऑलमोस्ट 20 प्रोड्यूसर कंपनियाँ बन चुकी हैं दूध की, और आगे और भी बनेंगी। तो ये और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिफरेंट बाकी जो कंपनियाँ उनके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ये हमारे को एक फायदा है। अगर आगे बढ़ना है तो तकनीक के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, इसलिए इस तरीके के कार्यक्रमों का होना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, इंडिया एक्सपो, ग्रेटर नोएडा।